अच्छा आपने कभी ये सोचा है कि कभी ए का उपयोग करके आप लोग अपनी गेम को करेक्ट कर सकते हैं या दूसरे की गेम को समझ सकते हैं यस सर ए चेस एस एवॉल्व देर हेज बीन न्यू टेक्नोलॉजी एंड द कंप्यूटर्स हैव बिकम मच स्ट्रॉगर नाउ एंड इट इज शोइंग लॉट ऑफ न्यू आइडियाज इन चेस एंड वी आर लर्न वी आर स्टिल लर्निंग फ्रॉम इट एंड आई थिंक देर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम इट सर आई थिंक अभी ऐसा हो गया है कि एआई के टूल्स सबको अवेलेबल हो गया है क्योंकि डेमोक्रेटाइज हो गया है और अभी हम जरूर प्रिपरेशन में यूज करते हैं बताइए कुछ नहीं सर द एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ नहीं ऐसे जीत लिए ऐसे आ गया गोला नहीं सर ऐसे नहीं आ गया बहुत मेहनत किया है आई थिंक सारे मेरे सारे टीम ने इवन मेन्स ने बहुत हार्डवर्क किया है To get to stage. मैंने देखा आप से कि पिता, माता, है। Parents, में बचपन में दो बजेट का जाना पड़ता था स्टेबल लूंगा पर मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा हमेशा देखा है की आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं मुझे ऐसा लगता है की आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है हर एक्सपोर्ट से और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहता हूं ऐसा मैं ये बताता हूं मैं ये इतना समझता हूं कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं कितने उद्योग हैं जीडीपी कितना इतने से नहीं बनता है हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम ओस्कार हमारे यहाँ कैसे आते हैं अगर साइंटिस्ट हैं या और किसी फील्ड में तो मैक्सिमम नोबेल हमारे पास कैसे आते हैं वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल्ड हमारे बच्चे कैसे लाए ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल तब तो देश महान बनता है मैं जब गुजरात में था तब भी मैं एक खेल महाकुंभ चलाता था लाखों बच्चे खेलते थे उसमें तो मैं बड़ी आयु के लोगों को भी खेलने के लिए प्रेरित करता था तो उसमें से अच्छे बच्चे आगे आने लग गए मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ है दूसरा मेरा मत है कि देश में समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है वो कल्चर होना चाहिए समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए हर रोज इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए कि ये प्रेशर सिचुएशंस कैसे टैकल कर सकते हैं देखिए कोई भी खेल क्यों ना हो कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है जी हम से बहुत से लोग होंगे जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी ट्रेनिंग होती होगी आपके लिए खान पान के लिए बताया जाता हो कि भाई ये चीजें खाइए ये चीजें खेलने से पहले इतना खाइए मत खाइए सब बताया जाता होगा आपको मैं समझता हूं कि इस अगर हम इन चीजों की आदत अगर डेवलप करते हैं तो इन सारी समस्याओं का पचा जाते हैं देखिए डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बहुत इंफॉर्मेशन और पॉजिटिव नेगेटिव सब होनी चाहिए आपको पसंद आता है ऐसा ही सुनने का आदर लगती है मनुष्य का स्वभाव होता है जो अच्छा लगता है वही सुनता है तो वो फिर डिसीजन में गलती होती है लेकिन आप हर प्रकार की चीज़ को सुनते हैं हर प्रकार की चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं और खुद एनालाइज करते हैं और कहीं समझ नहीं आए तो बिना संकोच किसी जानकार को पूछते हैं तो फिर आपको कठिनाई कम आती है और मैं मानता हूं कि कुछ तो अनुभव से आ जाता है और जैसा मैंने कहा कि योगा मेडिटेशन इसकी सचमुच में बहुत ताकत है जी सर हम अभी दो हफ्ते खेले तो अभी पूरा थक गए पर आप सालों साल दिन भर इतना काम करते इतने मतलब पूरा ब्रेक भी नहीं लेते मैं केवी रीते व्हाट्स द सीक्रेट सर फॉर योर एनर्जी आप इतना जानते हो एंड देन ऑल्सो यूर ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू द वर्ल्ड और आप हमेशा हर स्पोर्ट पर्सन को इतने जोश से भर देते हो टू परफॉर्म और मैं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप हम सबको एक एडवाइस देना चाहो आप जहां चेस को देखना शतरंज को देखना चाहते हो देखिए ऐसा है जीवन में कभी संतोष मत मांगिए सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज का वरना फिर नींद आना शुरू हो जाता है <laughs> हर भी, हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए आ, कुछ नया करने की कुछ ज्यादा करने की हम लोग सभी टूर्नामेंट तभी जीते थे और हम लोग बस में से आ रहे थे और आपका स्पीच हम लोग लाइव देख रहे थे और आपने वहाँ पे अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि भारत ने ये ऐतिहासिक दो गोल्ड मेडल जीते और हम सब लोग उस टाइम साथ में बसते हमें इतनी खुशी हुई सबको कि आपने ये आपके स्पीच में अनाउंस कर दिया पूरे दुनिया के सामने मैं 98 में मैंने फर्स्ट ओलंपियाड खेला और उस टाइम पर गैरिकासपराव कार्पाव ये सब लोग खेलते थे और हम लोग उनका साइन लेने के लिए दौड़ते थे ऑटोग्राफ इंडिया का तब तो रैंकिंग बहुत नीचे था और इस टाइम पे जब मैं कोच बन के गया था और मैं देखता था कि गुकेश आ रहा है प्रग्नानंद आ रहा है अर्जुन आ रहा है दिव्या आ रही है हरिका आ रही है और लोग उनका साइन लेने के लिए अब दौड़ रहे हैं तो ये जो बदलाव और ये जो कॉन्फिडेंस नए फील्ड में आया है नए बच्चों में आई थिंक वो आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर वन होना चाहिए ये बदलाव आ रहा है so, thank you so much. आपने इतने शॉर्ट नोटिस में आप यूएस में थे और आपने इतना आपका निकाला हमसे मिलने के लिए। हम बहुत भी मोटिवेट हो गए। मेरा आप <laughs> हम ही हमें नहीं आ, ये इतना इम्पोर्टेंट है आ, बाकी चेस जो खेल थे अभी उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो गए कि वो अच्छा खेले और आपको आके मिले तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पिरे ये बात सही है जी है। कभी कभी ये देखने से पता चलता है कि हाँ यार अपने हाँ लोग कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं मैंने एक बार गुजरात में बहुत बड़ा चेस का इवेंट किया था जब मैं मुख्यमंत्री था तो बीस हजार लोग उसमें एक साथ हाँ, चेस एक खेले थे खेले थे और सर उसमें उस टाइम उस पे इसमें से बहुत सारे लोग चेस नहीं खेलते थे नहीं तब इनमें से कईयों का जन्म भी नहीं हुआ होगा जी तब भी लोगों का आश्चर्य होता है क्या मोदी जी कर रहे अच्छा बीस हजार को जगह बिठाने की जगह भी चाहिए तो बहुत बड़ा पेंडल बनाया था मैंने तो हमारे अफसर लोग भी कहते थे साहब अब ये इसके लिए इतना खर्चा मैंने कहा इसी के लिए खर्चा करूंगा मैं इसे आपने जब इतना मुझे एनकरेज किया ये तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैंने कहा अब तो मुझे पूरी जान लगा दी है चेस में और मुझे अब तो इंडिया के लिए हर समय मेडल जीतने और मुझे मतलब मैं तब बहुत ज्यादा ही खुश थी और फिर तब आपने उसी उसी में थी तुम हाँ। हाँ। और ये तब आपने साइमल ऑर्गेनाइज किया था और बहुत सारी लड़कियाँ रही थी तब वाह तो उस समय तुम्हें वहाँ कैसे ले आए थे तब मैं एशियन अंडर नाइन जीती थी तो किसी ने मेरी मम्मी से कहा कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है गुजरात में गांधीनगर में तो मुझे तब बुलाया था तो ये मैं रख सकता हूँ ना यस yes,